नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक पीक एक्सपीडिशन में। ये है हमारी टीम, ये हमारे लीडर राजेश भाई और ये हैं अमनदीप भाई एंड राम जी रघु भाई। ब्लैक पीक एक्सपीडिशन 2020। हम पहुंच चुके हैं पवाणी गांव के नीचे और सामने दिख रहा है ओसला। ओसला है, काफ़ी अच्छा गांव है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है दूर से। तो हमें जाना है इसके इधर, इसके आली साइड से। गंगाड़ के नज़दीक पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये राम जी कौन सी खेती है? मार्सा, चौलाई। चौलाई चौलाई चौलाई, इसको चौलाई कहते हैं। यहाँ पे लोकल लोग इसको अभी कटान कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। और ये है मिस्टर राम। हेलो राम जी, कैसा लग रहा है? बहुत ये वाला रास्ता हमने तकरीबन टाइम साइड पहुंचने ही वाले हैं, 2-4 किलोमीटर दूर है अभी, पहुंच जाएंगे आराम से। बिल्कुल। और बाकी की टीम हमारी अभी पीछे है। ये देखिए दोस्तों, काफी सुंदर नजारा यहाँ देखिए। ऑन द वे ऑफ रिंसेरा ताल, काफी एफर्ट लगाना पड़ रहा है दोस्तों। हम लोग आज सिम्मा से निकले हैं तो तकरीबन 8-9 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हमें 7-8 किलोमीटर और चलना है रुईसरा के लिए। रुईसरा पहुंच चुके हैं। ये रही हमारी व्यूल्स और ये रहे दोस्तों व्यू ऑफ माउंटेन्स, काफ़ी सुंदर नज़ारा है और माइंड ब्लोइंग। एंड दोस्तों, देर इज स्वर्गारोहणी पीक, इट्स अनेबल टू सी नाउ बिकॉज ऑफ क्लाउड्स एंड व्यू यू कैन सी, इट्स अमेजिंग। दोस्तों हमने अपना पूरा सामान लगभग कैरी कर रखा है, टीम में एक दो मेंबर वीक होने के कारण, टीम में एक दो मेंबर होने कमज़ोर होने के कारण हमें म्यूल करनी पड़ी तो कोई, वरना दोस्तों हमने अपना पूरा इक्विपमेंट और पूरा जितना भी लगता है ट्रैक में सब कुछ कैरी कर रखा है।
एडवांस बेस कैंप ब्लैक पीक पे आ रखे हैं। और ये रहा सामने ब्लैक पीक, और जो इसके राइट में है बंदरपुछ 1 एंड जस्ट राइट में और बंदरपुछ 2। एंड दोस्तों अपने बैक साइड स्वर्गारोहिणी पीक है, हल्का सा दिख रहा है टीला, इधर दिखाइए हल्का सा टीला दिख रहा है स्वर्गारोहिणी 1 का। और ये जितना भी दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा बंदरपुछ ग्लेशियर है, ये है ब्लैक पीक ग्लेशियर, ये दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ से और ये रही ऊपर ब्लैक पीक, और इधर क्रेवास भी टूटे हुए हैं देखिए क्रेवास। एंड ये हमारी बाकी टीम, ये है रघु भाई, हेलो रघु भाई, एंड राजेश भाई, और हमारे गाइड विजय भाई, विजय भाई विजय पवार। ये रहा दोस्तों आज समिट कैंप का रास्ता, काफ़ी मुश्किल भरा है, ये देखो इधर वहाँ पे हमारा कैंप साइट था नीचे ABC, और है मिस्टर पंकज, क्या कहना चाहेंगे मिस्टर पंकज? आज काफ़ी सांस फूलने को आ रहा है जैसे, क्योंकि दोस्तों अल्टीट्यूड बढ़ रहा है और वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं 30 kg, अराउंड 30 kg आई एम कैरिंग वेट, वो था कैरिंग 30 kg। और दोस्तों देख सकते हैं आप आज का रास्ता काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। हम ग्लेशियर के ऊपर वॉक कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट लग रहा है, तकरीबन 5500 meters, एंड यू कैन सी माउंट ब्लैक एंड बंदरपुछ 2-1, अमेजिंग। यहाँ पर कैंप की जगह बना रहे हैं अभी, ग्लेशियर के ऊपर काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारा खाना बन रहा है, ये हमारे गाइड साहब, और यही हमारे लिए आज कष्ट कर रहे हैं MTR के खाने, ये देखिए ये राजमा है, और ये हमारा गैस ब्यूटेन, ये देखिए ब्यूटेन, और ये खाना बन रहा है इस तरह से, ये देखिए दोस्तों बर्फ़ के ऊपर हमने ब्यूटेन लगा रखा है और इसके ऊपर खाना बन रहा है। इधर देख सकते हैं आप, सभी लोग बैठ रखे हैं, बहुत ठंडा है,
राम जी। हेलो। और हमारे लीडर साहब। राम जी पहचाना नहीं जा रहा है भाई जी। और यहाँ पे हमारे एक लोकल भाई जयचंद पंवार। जयचंद पंवार, बहुत बढ़िया पंवार जी। और विजय पंवार जी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको। और दोस्तों, समिट के लिए अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया, 4 बजे हमने स्टार्ट किया, अभी 4:15 हो रहा है। पंकज, राम, रघु। हेलो। या एंड काफ़ी ठंडा है, हम लोग पूरे टेक्निकली फिट, टेक्निकली प्रिपेयर। अच्छी बात ये देख सकते हैं, विंड नहीं चल रही अभी। यस, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। यस यस, और आगे जाके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा क्रेवास है, चलिए चलते हैं। ऑलमोस्ट सनराइजिंग की तरफ, ये बहुत बड़ा क्रेवास है, ठंडा लग रहा है अभी मॉर्निंग टाइम में। तकरीबन 6000 मीटर की हाइट पर हम लोग अभी हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रेडियंट भी काफ़ी स्टीप है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तकरीबन 6000 मीटर पर। दोस्तों, हम अपनी मंजिल से 150 मीटर दूर। पूजा टाइम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्युर्मोक्षिर्महामृतं। ओम हर हर महादेव। ये रघु भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत ही क्रेजी